वो जनादेश महागठबंधन को देने का काम किया था और भाजपा के खिलाफ मैंडेट था। मेरा मानना है कि आज भाजपा के साथ मिलकर के जो सरकार बनाया गया ये लोकतंत्र की हत्या है और बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है महोदय। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो छल कपट और नकारात्मक राजनीति जो हुई है, जोर तोड़ की बात जो चली है, मेरा ये स्पष्ट मानना मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का मानना है कि ये पहले से ही प्री प्लांट था। मैं कुछ पीछे जाकर के पहले की बातें मैं बताना चाहूंगा और मैं सदन के नेता के तरफ से जवाब की अपेक्षा करूंगा कि पूरा देश और बिहार की जनता इन सवालों का जवाब मांग रही है। महोदय, आपको पता होगा 16 जून 2013 से 26 जुलाई 2017 ये बिहार की जनता जानना चाहती, इन 4 सालों में बिहार का समय क्यों बर्बाद किया गया? जब पहले ही भाजपा के साथ थे तो 4 साल में 4 सरकारें बनाए गए महोदय, और सरकार बनाने के बाद जो समय जो व्यर्थ किया गया, किस प्रकार से बार बार सरकार बनती है बिगड़ती है, अधिकारी को समय नहीं मिल पाता, कंफ्यूज रहते हैं, तो ये जो 4 साल जो बिहार का विकास का जो नुकसान हुआ है, ये बिहार की जनता इसका जवाब मांगना चाहती है कि ये चार सरकारें जो बदली हैं, 4 नए सरकारें का गठन जो हुआ, ये क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, या केवल एक व्यक्ति विशेष का इंडिविजुअल मामला होकर के या इंडिविजुअल के कारण ये 4 जो सरकारें बनी ये बना, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। साथ ही साथ महोदय, आपको हम बताना चाहेंगे कि इसका कारण क्या था 4 साल का। क्या इसका कारण बीजेपी था 4 बार जो सरकार बनाने की जो बात आई? क्या इसका कारण आरजेडी था, या इसका कारण मांझी जी थे या नीतीश जी थे? ये बिहार की जनता सब लोग जानती है, लेकिन ये बताना चाहिए सदन को कि इसका जिम्मेवार कौन था। 4 साल समझिए कि कितना बड़ा नुकसान बिहार की जनता को हुआ, एक इंडिविजुअल को छवि बनाने के लिए, एक बेनिफिट पहुंचाने के लिए, और ये ड्रामा लगातार इतने सालों से चलता रह रहा है, ये हम लोगों के समझ के परे है। कभी भाजपा के लोग इधर बैठते हैं, कभी भाजपा के लोग उधर बैठते हैं, कभी हम उधर बैठते हैं, कभी हमको यहां बैठना पड़ता है, तो यहां लोकतंत्र का बात की जाती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, तो जनता मालिक होती है। जब जनता ने एक सरकार को चुनने का काम किया, महागठबंधन को मैंडेट देने का काम किया, तो ये तो 5 साल चलना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं चला? और हम तो बीजेपी के लोग यहाँ मौजूद हैं, साथ सरकार में हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आपको 2013 में नीतीश कुमार जी ने सारे मंत्रियों को बर्खास्त क्यों किया? इसका क्या कारण था? क्या आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया था? क्या आप लोगों ने इंटरफेरेंस सरकार में करने का काम किया था? इसका जवाब आप भाजपा के लोगों को देना चाहिए। दूसरा, कितनी भद्दी भद्दी गालियां आप लोगों ने, अपनी मनपसंद की गालियां माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का काम किया, हम बताना नहीं चाहेंगे। लेकिन आप ये देखिए, आपके पास 91 MLA था बॉस, 91 MLA। हम आप लोगों से बोल रहे हैं, बीजेपी को एड्रेस कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, कृपया आपस में टोका टोकी नहीं करें, और जैसे अभी नेता विरोधी दल बोल रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं, उसी तरीके से जब कोई भी माननीय सदस्य बोलेंगे, सारा सदन इसी शांति से उसकी सबकी बात सुनेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास, जब भाजपा के पास उस समय 91 MLA थे, तब जिस तरह से दूध में मक्खी हो जाता है उस तरह से मक्खी को निकाल दिया गया, वैसे आप लोगों को निकाला गया। क्यों?
और हमारे पास तो 80 विधायक थे, फिर भी नीतीश कुमार जी ने हिम्मत नहीं जताई कि हमको बर्खास्त कर सके, राजद के लोगों को बर्खास्त कर सके, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, आप लोग सत्ता के लालची लोग हैं, भाजपा के लोग। ये जवाब आप लोगों को भी फील्ड में जाकर के देना पड़ेगा। और सारी बातें विस्तार रूप से हम प्रकट करना चाहेंगे सदन में, लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे जो 20 महीने थे सरकार में वो 29 महीने से काफी बेहतर था। 29 महीने का मतलब जब नीतीश जी सरकार में थे, ये दो जून 16 से 13, 16 जून 2013 से 20 नवंबर 2015, यानी 29 महीने इनके और 20 महीने जब हम थे। हम कहना चाहते हैं कि हमारा जब सरकार था तो सब कुछ अच्छा था, और इनके 29 महीने में किस तरह से सारी चीजें हुई हैं वो सबको पता है।